उन्नाव रेप केस में आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जेल में भी जनता दरबार लगा रहे हैं। जी हां, ये तस्वीरें उन्नाव के जिला जेल की है, जहां अंदर रेप के आरोप में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर कैद है और बाहर उनसे मिलने वाले फरियादियों का तांता लगा हुआ है। अब कुलदीप सिंह सेंगर पर पीड़िता के चाचा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। देखो विधायक जी को जैसे हम लोगों ने पहले ही कहा था कि उनके घर की, विधायक जी का घर और जेल की दूरी मात्र 40 से 50 मीटर है और विधायक जी जेल में दरबार लगाएंगे और हमारे परिवार पे खतरा होगा, और कल हमारे भी आदमी गए हुए थे तो दूसरे के नाम से पर्ची लगाई जाती है और करीब 60-70 लोग उनसे वहाँ अंदर चौपाल चलिए सारा दिन। और परसों हम लोग CBI के साथ गांव गए थे, हम घटना मौका मुआयना कराने के लिए CBI पूरा परिवार लेके गई थी, और जैसे हम लोग वहां से लौटे हैं वैसे विधायक जी के भाई मनोज सिंह 15-20 आदमियों के साथ गए हैं और उन जगहों का दौड़ा किया है जहां जहां घटना घटी थी और लोगों को दबाव में ले रहे हैं। विधायक जी जेल में बैठ के दबाव में ले रहे हैं और उनके भाई गाँव में जा कर के दबाव में ले रहे हैं। हम लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा, हम लोगों की जान का खतरा है और बहुत खतरा है। हम लोग कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे और कहाँ प्रशासन रखे, प्रशासन ने जहाँ रख रखा है यहाँ कोई सुविधाएं तो है नहीं। हम लोग किसी तरीके जीवन बिता रहे हैं यहाँ पे, हम कमाने खाने वाले लोग हैं तो हमारे परिवार की सुरक्षा तो प्रशासन का जिम्मेदारी बनती थी, प्रशासन जिम्मेदारी कर नहीं पा रहा है। जेल में खुला मुलाकात कर रहे हैं, 50-50 लोग जाते हैं वहाँ पर जो है सारा दिन बैठ के जो है जनता दरबार करते हैं, उनका जेलर भी रिश्तेदार जेल दूरी पे। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं आप बताइए, हम लोग तो कमज़ोर लोग हैं। और यहाँ गांव में लगाम लगाई जाए इनके भाई पे कि गांव में घटना स्थल का दौरा न कर पाएँ, तो लोग निर्भी होकर अपने बयान दे सकें और गवाह प्रभावित ना हो, सबूत प्रभावित ना हो। तस्वीरें प्रशासन के नियत की पोल खोल रही है। अगर एक कैदी जेल के अंदर बंद है तो क्या वो इतने लोगों के साथ अंदर जनता दरबार लगा सकता है, और अगर नहीं तो फिर जेल प्रशासन उन्हें कैसे मंजूरी दे रहा है? क्या इस तरह से जनता दरबार लगाने से जांच प्रभावित नहीं होगी? वायरल कीड़ा न्यूज़।